अच्छा ध्रुव चौहान मिले भाई 12th से, भाई कैसा रहा पेपर? भाई जब ना आता तो जब तो सब एक ही बराबर है। म्यूजिक और कैसा रहा पेपर? बढ़िया गया पेपर, बस अनसीन पैसेज लास्ट का छूट गया, बाकी अच्छा गया। अनसीन पैसेज लेंदी था? नहीं लेंदी ना, छूट गया लास्ट का, वो बीच में क्लास में कबूतर आ गया था। अबे साले कबूतर आ गया था, कबूतर से छूट गया क्लास में, कबूतर ने 10 मिनट वेस्ट कर दिए, उड़े जा रहे इधर उधर। अरे भाई आयुष, आयुष कैसा रहा एग्जाम? सही था, मतलब ठीक था, बट हल्का छूट गया था, मतलब ज्यादा लंबा नहीं था बट ठीक था। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया था उसके कंपैरिजन में कैसा रहा पेपर? ठीक था, मतलब कंपैरिजन में, मतलब इतना बुरा भी नहीं था, हो गया था मतलब पेपर एट द। जो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर डायरी एंट्री वगैरह आ रही थी तो वो आई है पेपर के अंदर? ऐसा दिखा नहीं। शाबाश, पेपर सही था? हां सही था यार। वो बड़ी एक हाइप सी बनी हुई थी ना क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की, उसका क्या रहा? ऊपर भी आसान था, पूरा क्वेश्चन पेपर आसान था, मतलब और मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए थे, सारे हो गए थे, और अनसीन पैसेज वो भी हो गया था। अच्छा, और छूटा तो नहीं कुछ भी? छूटा नहीं कुछ भी, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। लेंदी था? कितना लेंद, मतलब कितना टाइम लग गया था? राइटिंग सेक्शन कैसा रहा? मतलब मैं लास्ट मोमेंट पे खत्म हुआ। अच्छा, और नोटिस वगैरह इजी था करने वाला, लाइक था? इजी था। अच्छा, और बाकी जो डायरी एंट्री वगैरह के अंदर इश्यूज आए कुछ करने के लिए? रिपोर्ट राइटिंग मतलब थोड़ी सी मतलब लास्ट में हुई, बाकी सब तो आसान था, जो लेटर टू मैनेजर था बाकी सब आसान था। और सीबीएसई का सैंपल पेपर अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा टफ बन गया था, उसका क्या रहा? हाँ उससे मतलब उससे इजी था, उससे इजी था। हाँ। तो ओवरऑल बन जाएगी आज बात इस बार अपनी। चलो बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। आपका एग्जाम अच्छा था? सीबीएसई ने थोड़ा सा टफ सैंपल पेपर इस बार दिया था तो उसके कंपैरिजन में सेक्शन ए काफी टफ था। अच्छा, मतलब सेक्शन ए वाज टफ। ओके, मतलब रीडिंग अनसीन पैसेजेस नहीं बन रहे थे? नहीं, मतलब क्वेश्चन टफ था, काफी अपने आप से लिखने का था, पैसेज में आंसर्स कम थे बहुत ज्यादा। ओके, और जो डायरी एंट्री का इस बार बड़ा एक था कि डायरी एंट्री सेक्शन वाज कंफर्टेबली इजी था वो। अच्छा, और एंड में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 लेंथी लॉन्ग आंसर्स थे वो उसमें काफी टाइम लग गया, बहुत लेंथी सेक्शन था वो, बहुत ज्यादा। क्या 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 स्केचेस आए थे उसके अंदर? कौन-कौन से कैरेक्टर्स आए थे उसके अंदर? चैप्टर से रिलेटेड था, सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बाकी ओवरऑल ठीक था पेपर? हाँ जी ठीक था, पर थोड़ा सा था टफ, मेरे को टफ लगा। आपके लिंक भेजी थी मैंने उसको पूरी इसकी प्लेलिस्ट की। हाँ, और कैसा रहा पेपर? बढ़िया गया पेपर, बस अनसीन पैसेज लास्ट का छूट गया, बाकी अच्छा गया। अनसीन पैसेज लेंदी था? नहीं लेंदी ना, छूट गया लास्ट का, वो बीच में क्लास में कबूतर आ गया था। अबे साले कबूतर आ गया था, कबूतर से छूट गया क्लास में, कबूतर ने 10 मिनट वेस्ट कर दिए, उड़े जा रहे इधर उधर। अरे भाई, और बाकी जो बहुत बढ़िया गया क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो था उस वो तो पूरे पेज भरे मैंने, पूरा अच्छे से लाइन लिखी है, जैसे आपने टिप्स बताई थी वैसे लिखा है। तो मतलब ऐसा कुछ तो नहीं रहा कि कुछ पढ़ा हुआ नहीं था, सारा पढ़ा हुआ था? पढ़ा सब था, अच्छे से लिखा, बस अनसीन पैसेज गंदा गया, बाकी सब बढ़िया गया। तो भाई थोड़ा सा अनसीन पैसेज के अंदर बच्चों को दिक्कत लग रही है, बाकी तो ठीक है यार। अच्छा ध्रुव चौहान मिले भाई 12th से, भाई कैसा रहा पेपर? भाई जब ना आता तो जब तो सब एक ही बराबर है। तो क्या पढ़ा नहीं था, क्या था सीन? पढ़ा तो बहुत था, पर वही बात है ना, कोशिश तो बहुत टेढ़ी, पर सारी कोशिश असफल ही रही। अच्छा, पूरे साल बस अपनी मौज मस्ती में, मतलब एब्यूज़ से लर्निंग यूज करता था। अरे नहीं नहीं यार, वो तो हाँ, तो मतलब वही बात है, कोशिश तो पूरी टेढ़ी पर सारी असफल रही। अच्छा, तो मतलब क्या कौन सा सेक्शन ज्यादा लेंदी रहा? जब वही बात है, जब ना था सारा ही सब कुछ ही लेंदी था, पर वैसे मैं बोलो लिटरेचर पार्ट भी बहुत ज्यादा ही लेंदी था। अच्छा, और जो एंड वाले क्वेश्चन थे 5-5 नंबर हाँ, वो क्वेश्चन आंसर नहीं थे, वो बेसिकली राइटिंग सेक्शन में डालवा था। अच्छा, जैसे आप देखेंगे मतलब कि इसमें जो स्टोरी के हिसाब से नहीं है, ये रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन के हिसाब से जो है कि डायरी लिख के दीजिए या रिपोर्ट राइटिंग लिख के दीजिए। बट वो डायरी तो सैंपल पेपर में हमने सीबीएसई ने दे दिया था कि क्वेश्चन नंबर 13 में डायरी वगैरह हम देंगे, शायद तुमने देखा नहीं होगा। वो मैंने पढ़ा नहीं था। भाई मस्त बंदो, बाकी कितने नंबर का अटेम्प्ट किया? पास हो जाऊंगा, इतना तोड़ लिया। क्या कह रहे हो, जब पास हो जाए बस, जैसे मर्जी है पास हो जाऊंगा बस, और क्या है। चलो भाई बढ़िया यार, मजा आया ध्रुव भाई बात करके आपसे। थैंक यू यार, थैंक यू।